हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों, माधव सेठ जो कि रियलमी कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने जो है आज काफ़ी सारे फीचर्स रियलमी 3 प्रो के जो है खुद से जो है वो रिवील कर दिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं जो है आपको उन्हीं फीचर्स जो कि कन्फर्म्ड हैं उनके द्वारा वो सारे फीचर्स जो है बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो ज़रूर से यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हुआ ऐसे कि आज जो है टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो जो है वो अपलोड करी, उसमें जो है माधव सेठ ने जो कि सीईओ है रियलमी कंपनी के, उन्होंने जो है ये सारी चीजें जो है वो रिवील करी, जो सारी चीजें जो है आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे जो है थोड़ी सी कान खिंचाई हुई रेडमी की। एक्चुअली आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे जो है सीधा सीधा जो रियलमी 3 प्रो का जो कंपटीशन है वो है सीधा सीधा रेडमी नोट 7 प्रो के साथ में। तो यहां पे सबसे पहले जो है रेडमी नोट 7 प्रो का, जैसे आपको पता है, डिमांड और सप्लाई का काफी ज्यादा जो है इशू बना हुआ है, जिनको फोन चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा। तो यहां पे जो है उन्होंने कंफर्म ये किया कि मार्केटिंग गिमिक वो जो है ऐसा कोई नहीं प्ले करेंगे, और उनकी ये कोशिश है कि जितने भी जेन्युइन बायर्स है उनको, उनकी ये कोशिश है कि फर्स्ट सेल पे जो है वो सबको जो है रियलमी 3 प्रो मिल जाए। तो ये तो यार काफी अच्छी बात है अगर ऐसा सच में हो जाता है तो। उसके बाद उन्होंने यहां पे जो है गेमिंग, जो नया डिवाइस रियलमी 3 प्रो आ रहा है उसकी गेमिंग को लेके यहां पे जो है बताया कि आपको यहां पे जो है उसका प्रोसेसर ऐसा मिलेगा जिसमें आपको जो है हाई GPU जो है वो देखने को मिलेगा। ऑलरेडी दोस्तों मैंने यहां पे जो है एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि लीक्स के अनुसार, जो कंफर्म लीक्स के अनुसार, इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का 710 हो सकता है। तो यहां पे ये बात जो है वो धीरे धीरे जो है वो सच होती जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहां पे इन्होंने बता दिया कि हाई GPU वाला प्रोसेसर मिलेगा। तो यहां पे अगर कंपटीशन है सीधा सीधा नोट 7 प्रो के साथ, तो नोट 7 प्रो में दोस्तों आता है स्नैपड्रैगन का 675, बट मेरी माने तो यहां पे आपको जो है रियलमी 3 प्रो में स्नैपड्रैगन का 710 मिलेगा, जिसमें जो है आपको हाई GPU देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि आपको इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं, बल्कि आपको जो है क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों पूरे चांसेस है कि आपको यहां पे जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि आपको यहां पे जो है वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि आपको वूक चार्जिंग यहां पे जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहां पे दोबारा से जो है वो Redmi Note 7 Pro को जो है वो तीली लगाई गई, यानी कि छेड़ा गया वो ऐसे कि यहां पे जो है बात यह भी हुई कि आपको यहां पे जो है विदिन द बॉक्स Realme 3 Pro में आपको विदिन द बॉक्स जो है फास्ट चार्जर मिलेगा, जो आपको Redmi Note 7 Pro में नहीं मिलता। और आपको जो है फोन लेने के बाद में फिर से मार्केट जाके जो है सेपरेटली परचेज करना पड़ता है फास्ट चार्जर। इसके बाद बात हुई दोस्तों कैमरा की, तो कैमरा भी उन्होंने बताया कि आपको यहां पे जो है दी बेस्ट जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा। अगर कैमरा की बात करो तो यहां पे जो है एक हल्की सी लुक भी जो है इस वीडियो में देखने को मिली Realme 3 Pro की, ब्लू कलर की दोस्तों। और यहां पे जो है आपको कैमरा जो है वो वर्टिकली अलाइन देखने को मिलेगा। और बात करें अगर इनके टेस्टिंग की, तो यहां पे इन्होंने बताया कि अराउंड 35 डेज इन्होंने इस कैमरा को जो है वो लगातार जो है वो टेस्ट किया है यहां पे। इसके बाद यहां पे जो है इन्होंने OS भी कंफर्म कर दिया कि आपको यहां पे जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड का OS देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहां पे जो है एंड्रॉइड पाई जो है वो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप हो जाइए खुश, क्योंकि आपको यहां पे जिस दिन जो है इसकी लॉन्च है रियलमी 3 प्रो की, यहां पे आपको एक नहीं बल्कि आपको दो फोन देखने को मिलेंगे। यहां पे ये भी चीज इन्होंने जो है कंफर्म करी, जी हां रियलमी 3 प्रो के साथ आपको एक और जो है वो फोन देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा फोन हो सकता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, बट मेरे हिसाब से यहां पे जो है वो रियलमी का C2 आ सकता है, क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट की गई है दोस्तों रियलमी 3 प्रो की, और दूसरे फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट आज जो है ये जो है रिवील कर दिया इन्होंने। तो यहां पे हमारा ये मानना है कि यहां पे जो है आपको 8000 या 8000 से नीचे की प्राइस रेंज में आपको यहां पे जो है दूसरा फोन जो है वो देखने को मिलेगा दोस्तों, और हो सकता है वो रियलमी का C2 हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। उन्होंने बोला कि हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देना, और साथ ही साथ जो प्राइस होता है वो सेकेंडरी पार्ट होता है, बट फिर भी उनका जो प्राइस होता है हमेशा आपने देखा होगा, चाहे वो रियलमी 1 से लेकर रियलमी U1 तक का हो, उन्होंने जो है हर बार जो है कंपिटिटिव प्राइसिंग रखी है। तो यहां पर सीधी सीधी जो टक्कर है दोस्तों वो है रेडमी नोट 7 प्रो के साथ में। रेडमी नोट 7 प्रो का जो 4GB 64GB वेरियंट है वो आता है दोस्तों सीधा सीधा 13,999 का, यानी कि 14,000 रुपए। तो यहां पे मेरा मानना कि आपको जो है रियलमी 3 प्रो जो 4GB 64GB जो वेरिएंट होगा दोस्तों, वो आपको यहां पे जो है वो 12,990 के करीब जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये चीज जो है आप नोट करके रख लीजिए दोस्तों। और यहां पे ये सारी चीजें जो है आज
रिवील करी खुद जो है माधव सेठ जी ने। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जरूर से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।